औरंगाबाद में ट्रक से कुचलकर एक युवक की हुई मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बारूड थाने पर जमकर बवाल काटा और शव को थाने के गेट पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही थाने पर पथराव भी किया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी। इस बीच पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इस डंडे के बाद हम लोग का मालूम था, लाश बाहर से बाहर लेके जा रहा था और अंगा चुरा के क्यों ले जा रहा था, किस लिए ले जा रहा था, छुपे ले जा रहा था, मिला लिया ट्रक वाला से मिला के ले जा रहा था। भाई घर के गार्जियन को उल्टा मार रहा है पुलिस, काहे मार रहा है। यहाँ डेहरा पेट्रोल पंप के पास बाइक से कोई व्यक्ति जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना थाने को मिली, पुलिस द्वारा जो भी घायल व्यक्ति थे उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस पे रोड़ेबाजी कर दिया गया और वो थाने में पहुंचकर वहां पे जो भी घायल व्यक्ति थे उनको वहां पर उतार कर प्रदर्शन किए जाने लगा। थाने ने एक्शन लिया और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उग्र भीड़ ने थाने में जो भी जब्त गाड़ियां थी उनमें आग लगाने की कोशिश की, इससे कुछ गाड़ियां हताहत भी हुई। इसके बाद पुलिस ने और भी अन्य फोर्स आए और अब तक जो भी चिन्हित व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारी की गई और अन्य जो भी व्यक्ति अभी बाहर हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सूचना के बाद जिला मुख्यालय ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की, जिसके बाद ग्रामीण भाग खड़े हुए, मगर पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट।